नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के किसानों की दुर्दशा के बारे में। कैसे जंगली जानवरों का आतंक और सुख सुविधाओं के अभाव से किसान पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है। यहाँ के किसान मेहनत से खेती करते आए हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में खेती करना कभी गर्व की बात थी, पर अब यह संघर्ष बन गया है। जंगली जानवरों, खासकर बंदरों ने किसानों की जिंदगी को दूभर बना दिया है। ये जानवर खेतों में घुसकर फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बंदरों के अलावा अन्य जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों के पास इन जानवरों से बचाव के पर्याप्त साधन नहीं है और सरकार की ओर से भी कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। किसानों को न केवल जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है। पानी की कमी, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और बेहतर बाजार न होने की वजह से किसान अपने उत्पाद को सही दाम पर बेच नहीं पाते। इन समस्याओं से तंग आकर कई किसान अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में अब खेत बंजर पड़े हैं और गांव की रौनक खत्म होती जा रही है। किसानों की इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि योजनाओं का लाभ भी किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। किसानों की लाचारी को देखकर दिल दहल जाता है। जो खेत कभी लहलहाते थे, वे अब बंजर पड़े हैं। हमें किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा और उनकी आवाज को बुलंद करना होगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल मिले। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किसानों की समस्याओं के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।